नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं स्टॉक बॉक्स का बिजनेस स्टैंडर्ड प्लस फाइनेंशियल एक्सप्रेस एनालिसिस वीडियो। यहां पे बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर और फाइनेंशियल टाइम्स का न्यूज़पेपर का जो सबसे बेस्ट आर्टिकल्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन से हैं, हमने वो पिक किया है और आपके लिए हम उन्हें एनालाइज करेंगे। तो आप सीख सकते हैं कि कैसे एनालाइज करना है न्यूज़पेपर्स को, एंड साथ में जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इकोनॉमिक न्यूज़ है इनका क्या असर पड़ता है आपके लाइफ पर, स्पेसिफिकली आपके इन्वेस्टमेंट्स, आपके इनकम, आपके एक्सपेंसेस, आपके जॉब प्रोस्पेक्ट्स, करियर प्रोस्पेक्ट्स पे। सो शुरुआत करूंगा मैं, आज एक ओवरव्यू ले लेते हैं सारे आर्टिकल्स का। सबसे पहला आर्टिकल है इंडिया इनकॉर्पोरेशन रेवेन्यू ग्रोथ इन Q2 लाइकली स्लोएस्ट इन 4 ईयर्स। जितने भी लिस्टेड कंपनीज हैं इस वक्त इंडिया में जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, इनके रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। अब जब रिजल्ट्स आ रहे हैं तो इस बार जो Q2 के रिजल्ट्स आए हैं ये पिछले 4 साल के सबसे वीक रिजल्ट्स हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है और कौन से सेक्टर सबसे ज्यादा इंपैक्टेड है, हम लोग ये पढ़ेंगे आगे। कैबिनेट ने नोट दिया है 7,800 करोड़ के रेलवे और स्पेस इनिशिएटिव्स को। सो वी हैव टू सी कि गवर्नमेंट रेलवे और स्पेस सेक्टर में अगर इतना खर्चा कर रही है तो किसके पास ये पैसा जा सकता है सबसे ज्यादा और कौन सबसे ज्यादा बेनिफिट ले सकता है। हाइब्रिड्स इंच क्लोजर टू ईवीज। अब कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हाइब्रिड कार ज्यादा प्रैक्टिकल लगती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को पूरी दुनिया में गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, फिर भी हाइब्रिड कार्स अब देखिए ऑर्गेनिकली इतना ज्यादा ग्रो कर रही हैं कि लोगों को ज्यादा पसंद आ रही है, ईवीज के ऑलमोस्ट पास पहुंच चुकी हैं। प्राइजेस ऑफ एडिबल ऑयल्स लाइकली टू स्टे एलिवेटेड। जितने भी एडिबल ऑयल हैं इनके प्राइजेस अभी भी बढ़े हुए ही रहेंगे। 2 महीने पहले हमने आर्टिकल में कवर किया था कि किस तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी 5% से 27% हो गई है एडिबल ऑयल के केस में, जो खाने का तेल है उसमें। एंड गवर्नमेंट ने कहा कि हम प्रमोट करना चाहते हैं जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उनको, क्योंकि वो कम्पीट नहीं कर पा रही हैं जो बाहर के ऑयल प्राइजेस हैं उनसे। तो अब प्रॉब्लम ये हुई कि वहां से हमें काफी इंक्रीमेंट देखने को मिली है ऑयल प्राइजेस में, एंड आप देख सकते हैं कि अभी भी प्राइजेस बढ़े हुए रहेंगे। ब्रिक अब ये बात होगी हमारे ब्रिक समिट की काफी सक्सेसफुल रहा है, दुनिया में काफी अटेंशन खींच लिया है इन्होंने, तो देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट यहां आ सकता है इंडिया के लिए। इंडियाज ऑयल डिमांड में ग्रो 4% इन अक्टूबर दिसंबर S&P ग्लोबल। ऑयल डिमांड 4% तक ग्रो करेगी इंडिया में अक्टूबर से दिसंबर। ITC मिसेज एस्टिमेट्स ऑन हाई इनपुट कॉस्ट। ये भी हम डिस्कस कर रहे थे कुछ ही दिन पहले आर्टिकल में कि किस तरीके से FMCG सेक्टर में इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है तो इनके प्रॉफिटेबिलिटी कम आ सकती है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा रहेगा क्योंकि मानसून की वजह से रूरल ग्रोथ भी बढ़िया था। और एनवीडिया की बात करें तो RIL जॉइंस फोर्सेस टू बिल्ड AI कंप्यूटिंग इंफ्रा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ज्वाइन कर रहा है एनवीडिया को इंडिया में AI इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। तो ये मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है, अब डिस्कस करेंगे आर्टिकल्स को थोड़े से डेप्थ में। इंडिया इनकॉर्पोरेशन रेवेन्यू ग्रोथ इन Q2 लाइकली स्लोएस्ट इन 4 ईयर्स। पिछले 4 साल में इस क्वार्टर के जो रिजल्ट्स हैं वो सबसे वीक हो सकते हैं। अभी और रिजल्ट्स हमें देखना बाकी है, बट दिस इज द एक्सपेक्टेशन। रेवेन्यू ग्रोथ जो है 5 से 7% रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, पिछले साल से इस साल के बेसिस पे पिछले 16 क्वार्टर में सबसे स्लोएस्ट है ये। जो स्लो डाउन है वो क्यों आया है, सबसे पहले तो देखिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर बिल्कुल स्टैग्नेंट है इस टाइम पे, ग्रोथ नहीं हो रही है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, जो 20% है इंडिया के टोटल इनकॉर्पोरेशन रेवेन्यू का। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कमोडिटीज सेक्टर में भी डिक्लाइन देखने को मिला है, ठीक है। रेवेन्यू जो है इंडस्ट्रियल कमोडिटीज का, इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन लिंक सेक्टर्स का कलेक्टिवली 38% है इनके सैंपल के टेस्ट का, तो यहां पे ग्रोथ ही नहीं है। तो ओवरऑल जो डेटा है हमारा वो भी वीक आ रहा है इनकी वजह से। सबसे ज्यादा डिप कौन से सेक्टर के रेवेन्यूज में हुआ है, अब इन्वेस्टमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो जो पावर सेगमेंट है जो अकाउंट करता है 70% ऑफ रेवेन्यू, सिर्फ 1% से ग्रोथ हुई है इसमें पावर सेक्टर में ड्यू टू रिड्यूस पावर डिमांड फ्रॉम अबव नॉर्मल मॉनसून। जब मॉनसून क्योंकि बढ़िया हुए तो फिर पावर डिमांड भी तो कम हुई है, लोगों ने ACs कम रन किया, जल्दी जो है वेदर वो थोड़ा सही हो गया, लोगों को रिलीफ मिली, तो इस वजह से आप देखेंगे कि पावर सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली। अगर बात करें कंस्ट्रक्शन लिंक सेक्टर की, सेक्टर की जो कंस्ट्रक्शन से लिंक्ड हैं जैसे कि स्टील रेवेन्यू, 2 से 3% यहां डिक्लाइन हुआ है क्योंकि चाइनीज इंपोर्ट्स भी आए जिसकी वजह से प्राइसेस ड्रॉप हो गए। सीमेंट सेक्टर का ग्रोथ नहीं हुआ है इस बार, यस 2 से 3% स्लिप हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट स्पेंडिंग इनका कहना है लोकसभा इलेक्शन की वजह से थोड़ी स्लजिश रही है। एंड एग्रीकल्चर इंपैक्ट हुआ है फॉल इन रॉ मटेरियल प्राइसेस से। और इंडिया की जो इनकॉर्पोरेशन की प्रॉफिटेबिलिटी है ये इंप्रूव होगी आगे, एक्सपेक्टेशंस ये हैं, मार्जिन्स आगे बढ़िया होंगे, एंड यहाँ पे जो एक्सपोर्ट लिंक सेक्टर हैं वो बढ़िया करने वाले हैं,
पॉजिटिव्स क्या है, जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है वो 5% से बड़ा है, विद इन विच फार्मास्यूटिकल सेक्टर काफी बढ़िया कर रहा है। पिछले क्वार्टर भी सबसे बेस्ट फार्मास्यूटिकल था, यहाँ पे 11% का ग्रोथ है। आईटी सर्विसेज जो 70% है सेगमेंट रेवेन्यू का, यहाँ पे 3-4% की मॉडेस्ट ग्रोथ रेट देखने को मिली, तो आईटी सेक्टर हैज नॉट डन बैड, एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं मॉडरेट है। आ जाते हैं अगले आर्टिकल पे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने थर्सडे को 2 key railway projects वर्थ 6,800 करोड़ की मंजूरी दी है, ये बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए होगा। तो यहाँ पे प्रपोज कैपिटल अमरावती ऑन रेलवेज मैप। तो इंटरेस्टिंगली दोनों जो स्टेट्स हैं वो अभी करंट पार्टी के अंदर ही आते हैं, एंड क्योंकि बजट के पहले ही 2 महीने पहले से ही लोग रेलवे स्टॉक्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, राइट। हर बार आपने देखा है बजट के टाइम पे रेलवे स्टॉक्स एक इंपॉर्टेंट फोकस रहते हैं, पॉइंट ऑफ फोकस रहते हैं। सो वी हैव टू सी कि इस बार भी क्या पहले से ही रेलवे के प्रोजेक्ट्स अनाउंस होने शुरू हो जाएंगे, एंड क्या हमें कुछ बेनिफिट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे रेलवे कंपनी के स्टॉक्स में, जो अभी काफ़ी नीचे चल रहे हैं। तो यहाँ पे रेल प्रोजेक्ट्स इन्होंने क्लियर किए हैं, एंड एक वेंचर कैपिटल फंड भी लॉन्च किया है 1,000 करोड़ का स्पेस सेक्टर के लिए। सो स्पेस सेक्टर के लिए इंडिया काफ़ी सीरियस हो चुका है यहाँ पे, एंड गवर्नमेंट चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे आए, किसी तरीके से प्राइवेट इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जाए स्पेस सेक्टर में आने के लिए, जिसके वजह से वेंचर कैपिटल फंड सेटअप किया गया है। तो वी वॉन्ट मोर स्टार्टअप्स एंड मोर प्राइवेट कंपनीज इन द स्पेस सेक्टर। अब यहाँ पे बात करें प्रोजेक्ट से रिलेटेड बात है कि किस कौन कौन से लोकेशन से होता हो जाएगा, सो दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। विल डिस्कस अबाउट द स्पेस इंडस्ट्री। 1,000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड आया जिससे करीब 40 स्टार्टअप्स को बेनिफिट मिलेगा। यस, इंडिया में काफी स्टार्टअप्स है स्पेस से रिलेटेड, एंड इससे प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगे और जनरेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा स्पेस सेक्टर में। फंड जो है ये प्लान किया गया है फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 5 years फ्रॉम एक्चुअल डेट ऑफ ऑपरेशंस। तो इंडिकेटिव रेंज होगा इन्वेस्टमेंट का वो होगा अराउंड 10-60 करोड़, और डिपेंड होगा कंपनी पे, कंपनी कौन से स्टेज में है, ग्रोथ पे, मतलब काफ़ी सारे वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं इसमें। तो एवरेज डिप्लॉयमेंट हो सकता है 150-250 करोड़ पर ईयर। तो 150-250 करोड़ पर ईयर एलोकेट किया जाएगा हर साल स्टार्टअप्स में या फिर दूसरी प्राइवेट कंपनीज में जिनको गवर्नमेंट के फंड की रिक्वायरमेंट है, एंड एनालिस्ट का कहना है कि ये काफ़ी स्ट्रेंथन कर सकता है स्पेस सेक्टर को, एंड दिस इज जस्ट बिगिनिंग, यहाँ पे सिर्फ शुरुआत है। वी माइट सी कि फंडिंग शायद और जल्दी हो जाए एंड गवर्नमेंट फिर से रीअसेस करके दोबारा और फंड्स भी लॉन्च करे, तो हमें रिएक्शन देखना होगा कि कितना फंड एलोकेशन होता है। बहुत बड़े बड़े फंड गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देती है कि हमारा 3,000 करोड़ का बजट है, 10,000 करोड़ का बजट है, बट वी हैव टू सी कि इसमें से एलोकेट कितना हुआ, लोगों के पास कितना पैसा गया, स्टार्टअप्स के पास कितना पैसा गया, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। हाइब्रिड इंच क्लोजर टू ईवीज। हाइब्रिड कार्स जो प्योर प्ले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इससे बहुत जल्दी कैचअप कर रही है, ऑल दो इन्हें कोई ज़्यादा प्रमोट नहीं कर रहा है इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, ज़्यादा प्रमोशन नहीं हो रहा है इनका। प्रमोशन किसका हो रहा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट का, चाहे चार्जिंग स्टेशन सब्सिडी, चार्ज करने पे पावर पे सब्सिडी, प्रोडक्शन पे सब्सिडी, बैटरी पे इंपोर्ट पे सब्सिडी, बहुत सब्सिडीज मिल रही हैं, आरटीओ टैक्स नहीं लग रहा, जो भी चीज़ है। लेकिन लोगों की जो डिमांड है, एक्चुअली जो लोगों के नीड्स को इस वक्त सूट करता है, दैट इज हाइब्रिड व्हीकल। सो मैं आपका ओपिनियन चाहूँगा, आप बताइए कि व्हाट वुड यू प्रेफर, एक हाइब्रिड कार जो चार्ज करने का जैसे झंझट नहीं है कुछ भी, अच्छा माइलेज और काफ़ी क्लीन है। आप देखिए जो ट्रेडिशनल कंबशन कार्स है, हाइब्रिड कार उनसे बहुत ज़्यादा क्लीन है। तो जो शिफ्ट है प्रेफरेंस में इज एविडेंट फ्रॉम नारोइंग गैप ऑफ 2,419 यूनिट्स। सिर्फ 2,500 यूनिट्स का गैप रहा है हाइब्रिड और ईवी सेल्स में इस फर्स्ट हाफ ईयर में अगर आप देखें तो, एंड जो ये ग्रो कर रहा है 23% की स्पीड से। हाइब्रिड व्हीकल्स ने क्लॉक किया है 77,824 यूनिट्स इन 6 months एंडेड सितंबर अकॉर्डिंग टू J2 डायनामिक्स। तो ईवी सेगमेंट ने क्लॉक किया है 8% का ग्रोथ, हाइब्रिड ने किया है 23% का ग्रोथ, एंड करीब 77,800 यूनिट्स बेच दिए। तो इतने ऑलमोस्ट ईवी जितनी यूनिट्स बेचे हैं, लेकिन ग्रोथ देखिए कितनी बड़ी है। एंड स्पेसिफिकली जो 5 मॉडल्स हैं इन्होंने डोमिनेट किया है हाइब्रिड सेगमेंट में अगेंस्ट 9 electric car ones, और जिनका प्राइस भी था वो 25 लाख के आसपास ही था एक शोरूम ऑन एन एवरेज। तो ये देखिए ये अब जो अप्रोच है काफ़ी ज़्यादा, मैं कहूँगा यहाँ पे मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट दूंगा जापानीज़ कंपनीज को। जापानीज़ कंपनीज़ ने पूरी ईवी का जब ट्रेंड चल रहा था उन्होंने बोला नहीं, हाइब्रिड सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, हम हाइब्रिड पे फोकस करेंगे, एंड सबसे ज़्यादा हाइब्रिड कार्स मुझे लगता है जापानीज़ कंपनीज ने बनाई है। तो यहाँ पे जो अगर आप चाइनीज़ की भी बात करते हैं कि ये जो अप्रोच है सक्सेसफुल है इन चाइना, जहाँ पे एनर्जी व्हीकल्स 46% ऑफ द सेल्स है इस टाइम पे, एंड ये इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सेलरेट कर सकती है
टारगेटिंग हाई माइलेज व्हीकल्स एंड एड्रेसिंग रेंज एंजाइटी। तो हाइब्रिड में सबसे पहले तो आपको कोई रेंज को लेकर एंजाइटी नहीं है कि 600 किलोमीटर 700 किलोमीटर आप फ्यूल यूज कर सकते हैं, और पर लीटर जो आपका माइलेज है बहुत ही बढ़िया होता है हाइब्रिड में, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक प्लस आईस आईसी दोनों मोटर्स का यूज कर रहे होते हो, तो यहाँ पे काफी बढ़िया एवरेज भी मिलता है हमें। कई लोगों का कहना है कि इंजन इससे थोड़ा वीक हो जाता है बिकॉज आप हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हो ट्रेडिशनल इंजन के साथ, बट वी हैव टू सी, क्योंकि लॉन्ग लाइफ हमें ये 5 साल 6 साल बाद ही देख के पता चलेगा कि कितनी लाइफ होती है इंजन की जब आप हाइब्रिड के साथ इसे कंबाइन करते हो। तो ईवी मेकर्स जैसे टाटा मोटर्स हैं इंडिया में, उन्होंने तो बिल्कुल अपोज किया है कि हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए कोई इंसेंटिव होना ही नहीं चाहिए, और इन्होंने क्लेम किया है कि ये हमारा एंड ऑब्जेक्टिव नहीं मीट करता जीरो एमिशन का। लेकिन मारुति सुजुकी एंड टोयोटा जो जापानीज कंपनीज है वो चाहती है कि हाइब्रिड इंडिया में आए बिकॉज दे हैव इनोवेशन हाइब्रिड के टेक्नोलॉजी में। बात करेंगे प्राइसेस ऑफ एडिबल ऑयल्स की। एडिबल ऑयल के जो दाम है ना ये बढ़े हुए रह सकते हैं, एडिबल ऑयल प्राइसेस बढ़े हुए रह सकते हैं कमिंग मंथ्स में भी, एंड ग्लोबल प्राइसेस कुकिंग ऑयल में जितने भी है ना ग्लोबली ये इंक्रीज हुआ है, और एक तो इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी भी इंक्रीज हो गया लास्ट मंथ, फूड मिनिस्ट्री सोर्सेस का कहना है। तो 27.5% से हमारी ड्यूटीज इंक्रीज हो गई थी ऑयल्स पे, और ग्लोबल प्राइसेज जो है तीन ऑयल के, पाम, सोयाबीन एंड सनफ्लावर, जो मेजर चंक होता है हमारे इंपोर्ट का, वो 10.5%, 16.5% और 12.5% इंक्रीज हुआ है ग्लोबल मार्केट में। तो इंटरनेशनली दाम बहुत बढ़ा है, और साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने भी टैक्स आई थिंक 5-6 गुना कर दिया है उस पर। तो हम करीब 58% ऑयल तो इंपोर्ट करते हैं, जो हम खाते हैं इंडिया में एडिबल ऑयल है हमारा 58% इंपोर्ट होता है बाहर से। तो बाहर जब इंटरनेशनली रेट बढ़ेंगे तो हमें तो पे करना ही पड़ेगा, साथ में अगर अब देखिए इंपोर्ट ड्यूटी भी इतना बढ़ जाएगा 5 से 25-30%, तो वहाँ भी जो भार है इसका ये हमें उठाना पड़ेगा। तो जो डिफ्लेशन है एडिबल ऑयल्स में जो चल रहा था टिल अगस्त 2024, अब वहाँ पे इन्फ्लेशन आ चुका है। पिछले 1 साल में एडिबल ऑयल का दाम एक्चुअली हर महीने घट रहा था, अगर शायद किसी ने नोटिस किया हो, एंड यहाँ पे इन्फ्लेशन अब आ चुका है 2.47% का, अब ये फिर से बढ़ना शुरू हो गया है। तो जो प्राइस मॉनिटरिंग सेल है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड मॉडल, जो मॉडल प्राइजेस है मस्टर्ड सनफ्लावर सोयाबीन ऑयल के, सब बढ़ चुके हैं एंड 181, 148, 143 पर लीटर हो चुके हैं। तो काफ़ी अच्छा खासा हाइक हमें देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने सजेस्ट किया है कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी है ना एडिबल ऑयल पे, ये शुड नॉट बी, इट शुड नॉट बी लेस देन कॉस्ट ऑफ कुकिंग ऑयल प्रोसेस फ्रॉम एनी डोमेस्टिक वेराइटी ऑफ एडिबल ऑयल। जो डोमेस्टिक का जो कॉस्ट है उससे कम तो नहीं होना चाहिए। इंडिया दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है, आप देखिए अगर टॉप वेजिटेबल ऑयल की बात करें तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है और टॉप वेजिटेबल ऑयल इम्पोर्टर है, इसको क्या इतना ज़्यादा इम्पोर्ट ड्यूटी रखना चाहिए? अब देखिए ये कॉन्ट्रोवर्शियल हो सकता है। गवर्नमेंट ने 5, 4, 3% जो हमारा चलता था कस्टम ड्यूटी उसे बढ़ा दिया, 27% कर दिया, एंड कहा कि देखो 58% हम इम्पोर्ट करते हैं बाहर से तो हमें डॉलर में पे करना पड़ता है, तो क्या करना चाहिए हमें, यहाँ पे इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाते हैं थोड़ा, बाहर वालों के जो तेल है ना उनके दाम को भी ऊपर ही रखते हैं हम लोग, एंड ताकि हमारे डोमेस्टिक वाले जो है मार्केट शेयर बना लें अपना। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट को देखना होगा कि जितने भी हमारे इम्पोर्टर जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है हम उनको सिर्फ इस बेसिस पे ना प्रमोट करते रहें कि हम वहाँ पे सब्सिडीज दे रहे हैं या फिर हम इम्पोर्ट टैरिफ लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा। जेन्युइनली हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उन्हें मदद करें कि वो इतना इनोवेट कर पाए कि वो एक्चुअली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लो कर पाए। अब इसमें काफ़ी टेक्निकलिटीज़ है, मैं बिल्कुल गलत हो सकता हूँ यहाँ पे इस बात के लिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम किया जाए, क्योंकि इंडिया में क्या तरीका है किस तरीके से हो सकता है वी डोंट नो। बाहर अगर ये प्रोसेस बहुत इंडस्ट्रियलाइज और ऑर्गेनाइज हो तो वो कॉस्ट पर यूनिट बड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में क्योंकि अनऑर्गेनाइज है एग्रीकल्चर तो ये कॉस्ट को नीचे लाना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सो अब देखना होगा कि किस तरीके से आगे जो 2025 है उसके लिए हमारे लेवल्स होते हैं फॉर कुकिंग ऑयल। आते हैं अगले आर्टिकल पे, और ये है ब्रिक अब्राक। 16वीं ब्रिक्स समिट हुई है कजान में, एंड फर्स्ट गेट टुगेदर है न्यू फोर न्यू मेंबर्स का, इजिप्ट, इथियोपिया एंड यूएई एंड ईरान। एंड एक्रोनिम आया था ब्रिक्स का 23 साल पहले जब गोल्डमैन सैक्स के इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने आई थिंक जिम ओ नील नाम था, शायद आर्टिकल में लिखा नहीं है, उन्होंने कॉइन किया था ये टर्म ब्राज़ील रशिया इंडिया एंड चाइना ब्रिक्स, कि ये मेजर वर्ल्ड प्लेयर हैं, सबसे बढ़िया ग्रोथ रेट इनकी रहेगी अगले 20 साल में, एंड सबसे ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ यही दिखाएंगे और डोमिनेंस दिखाएंगे इन फॉर ग्रोथ। तो वेस्टर्न मीडिया जो कंसिडर करती है मिड साइज इकोनॉमीज को एज काउंटर वेट कि यूएस को काउंटर करने के लिए, यूएस लेड जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, बट इनका कोई कोहेसिवनेस नहीं है, मतलब ये एकजुट नहीं है वेस्टर्न मीडिया ये कहती है, एंड ज़्यादा इनका जियो पोलिटिकल सिग्निफिकेंस इसीलिए नहीं हो सकता क्योंकि इनके अंदर यूनिटी नहीं है बिल्कुल भी,
अब राइटर का कहना है कि देखिए ये सच से बहुत दूर है ये बात। करीब 30 से 40 कंट्रीज जो है इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती हैं सबसे पहले तो। एंड इसके बाद अब ये देखिए जो 36 कंट्रीज है उन्होंने अटेंड किया है किसान समिट, जहां मोर देन 20 वो दे वर रिप्रेजेंटेड बाय हेड ऑफ स्टेट। सबके हेड ऑफ स्टेट आए थे 20 से ज्यादा कंट्रीज के, 30-40 कंट्रीज में से। एंड काफी एक्सपांडिंग हमारा जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी है। जीडीपी जो है अभी हमारा 26% हो गया है ग्लोबल जीडीपी का शेयर, जो जब ये ग्रुप फॉर्म हुआ था तो सिर्फ 8% था 2001 में, अब ये 26% है। एंड अगर G7 से कंपेयर करें जो ग्रुप है रिचेस्ट एडवांस नेशंस की, तो वहां पे डिक्लाइन देखने को मिला है, 45% का पे आ चुका है फ्रॉम 65%। तो बहुत तेजी से ये ग्रुप ग्रो कर रहा है। जितनी भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं या फ्यूचर इकोनॉमीज हैं वो इस ग्रुप का पार्ट है। रशिया का जो वॉर है यूक्रेन में एंड जो ग्रोइंग एम्बिट ऑफ सैंक्शंस है अगेंस्ट मॉस्को, इसकी वजह से भी काफ़ी आप देखेंगे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अगेंस्ट काफ़ी कंट्रीज जा रही हैं। देखिए यूएस ने क्या किया, रशिया पे सैंक्शंस लगाए और डॉलर से बैन कर दिया उन्हें, कि डॉलर में ना पे कर सकते हैं ना कुछ पेमेंट ले सकते हैं ना पेमेंट दे सकते हैं। अब इससे क्या हुआ कि ये इसको इसका एक दूसरा ऑल्टरनेटिव ढूंढने लगे। एंड तभी ब्रिक्स में इस बार बात चल रही है एक अलग करेंसी की, जिस करेंसी को यूज करके ब्रिक्स नेशंस एक दूसरे के साथ ट्रेड कर सके। ये एक स्ट्रेटेजिक रिलेशन था रशिया के साथ, और जहां पे आप देखिए कि इंडिया बिलीव करता है कि जो ब्रिक्स है इसका रेलेवेंस है मल्टीपोलर वर्ल्ड में। मल्टीपोलर वर्ल्ड मतलब पहले वर्ल्ड था बाईपोलर, या तो आप रशिया यूएसएसआर के साथ है या तो आप यूएस के साथ है, दो पोल्स थे। और यहां पे अब कहा जा रहा है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है क्योंकि रशिया भी है, यूएस भी है, चाइना भी है, और यहाँ पे इंडिया भी अपनी जगह बनाना चाहता है, तो कोई एक या दो पोल्स अब नहीं है। तो इंडिया का कहना है कि मल्टीपोलर वर्ल्ड है ये और हमेशा रीबैलेंस कर चलता रहेगा, रैपिडली रीबैलेंस होता रहेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट वॉइस है ये, यहाँ पे परसीव करता है अपने रोल को कि एक इम्पॉर्टेंट वॉइस है ग्रोइंग डिबेट में। एंड जब दुनिया में इतने चैलेंजेस हैं जैसे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डिवाइड्स के, तो यहाँ पे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सब ऐसे ग्रुप्स में एक दूसरे को कम्युनिकेट करते रहे एक दूसरे के साथ और कोऑपरेट करते रहे सारे इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, जो सबके लिए ही है, सिर्फ एक स्पेसिफिक कंट्री के लिए नहीं है। तो काफ़ी स्केप्टिसिज्म हुआ है ब्रिक्स के रेलेवेंस का कि क्या ये रेलेवेंट नहीं है, बहुत वैसी कंट्रीज हैं एक दूसरे, ये कंट्रीज की एक दूसरे से नहीं जम सकती है। बट मे बी हम देख सकते हैं कि इससे कुछ बहुत बढ़िया चीज़ें आए। एंड स्पेसिफिकली अगर लोकल करेंसीज का यूसेज होता है, इंडिया यहाँ पे पिच कर रहा है अपने यूपीआई को, यूपीआई इंटरफेस को, तो हम लोग जो ग्लोबल पेमेंट सिस्टम है यूएस द्वारा जो यूएस कंट्रोल करता है स्विफ्ट, हो सकता है उसका भी एक ऑल्टरनेटिव लेकर आए। बट अगर ऐसा होता है तो बहुत केओस होने वाला है आगे, हमें ऐसा लगता है कि बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि यूएसए कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई दूसरी करेंसी उसकी जगह यूज हो यूएस डॉलर के अगेंस्ट। इंडियाज ऑयल डिमांड में ग्रो 4% इन अक्टूबर दिसंबर, एस एन पी ग्लोबल क्या है, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, काफ़ी फेमस रेटिंग एजेंसी है ये और एनालिस्ट भी हैं। एंड इन्होंने कहा है कि इंडिया का जो ग्रोथ है ना ऑयल इंपोर्ट का, जितना हम कच्चा तेल इंपोर्ट करेंगे बाहर से, पहले खाने वाले तेल की बात कर रहे थे और ये पेट्रोल डीजल वाला तेल है क्रूड ऑयल, 4% यहाँ पे ग्रोथ एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इंडिया का जो एपेटाइट है ऑयल प्रोडक्शन के लिए, ऑयल प्रोडक्ट्स के लिए अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर में, इसे बूस्ट मिलने वाला है अपकमिंग फेस्टिवल सीजन से। फेस्टिवल सीजन बढ़िया रहेगा एक तो इन्होंने ये कहा है, दूसरा एग्रीकल्चर भी बढ़िया रहेगा इनका ये भी कहना है। एंड जो कंजम्पशन है मतलब लोग अब पैसा भी खर्च करेंगे अगले 6 महीने में, लोगों ने पिछले 6 महीने पैसे को जेब में रखा था, अब जेब से निकालने वाले इनका ये कहना है। एंड एजेंसी एक्सपेक्ट कर रही है करीब 3.5 से 4% की ग्रोथ तो आएगी ही आएगी। तो ये फोरकास्ट कर रहे हैं एनुअल डिमांड इंक्रीज ऑफ 50,000 से 55,000 बैरल पर डे फॉर बोथ गैसोलीन एंड डीजल। जो कंट्री का कंजम्पशन है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, यहाँ पे 3% की बढ़त देखने को मिली थी। एंड मैं बता दूं जो ऑयल डिमांड है ना, इसको हम लोग डायरेक्टली ग्रोथ से भी रिलेट करते हैं। कभी भी किसी कंट्री में अगर आप देखें तो ऑयल डिमांड बढ़ रहा है, इसका मतलब वी कैन से कि ग्रोथ है। जैसे चाइना में जैसे ग्रोथ कम हुआ, आप देखिए ऑयल इंपोर्ट्स उनके कम हो गए। ग्लोबल ऑयल प्राइसेस चाइना की वजह से काफ़ी हद तक कम हो रखे हैं, सस्ते इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि चाइना में डिमांड नहीं है उसकी, जो सबसे बड़ा इंपोर्टर है। तो आपकी कंट्री अगर ऑयल इंपोर्ट कम किए जा रही है बहुत ही रैपिडली, तो आप ये नहीं कह सकती कि आपके यहाँ जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही मुश्किल है फिलहाल ये कहना। तो जितना बढ़िया ऑयल डिमांड है आप मान के चलिए उतना बढ़िया हमारा ग्रोथ रेट भी एक्सपेक्टेड होगा। तो यहाँ पे असेंबली इलेक्शंस भी आ रहे हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट फ्यूल वगैरह का डिमांड बढ़ेगा। ऑल दो ग्रोथ वगैरह पे कोई ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है, नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ना है, बट वी विल सी कि यहाँ पे काफ़ी बढ़िया इंक्रीमेंट हमें देखने को मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ क्रूड ऑयल इम्पोर्ट्स।
आते हैं आखिरी आर्टिकल पे, और ये है आईटीसी के बारे में, इंडियन टोबैको कंपनी। काफ़ी सारा इनका बिजनेस है, खाली टोबैको नहीं, आईटीसी के तो प्रोडक्ट्स हमें पता है कितने सारे, आशीर्वाद आटा से लेकर के काफ़ी चीज़ें हैं, एंड साथ में सिगरेट्स हैं इनके, एंड आप ये देखिए कि होटल्स भी हैं आईटीसी के। तो इन्होंने 1.9% जंप रिकॉर्ड किया है नेट प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट ग्रोथ ज़्यादा नहीं आई, एक्सपेक्टेड भी था, इनपुट प्राइसेस बढ़ गए हैं, कंपनीज ने पहले ही बोल दिया था 2 महीने। यहाँ पे रेवेन्यू लेकिन बहुत बढ़िया है, रेवेन्यू 15% का जंप दिखा रहा है, क्योंकि एक तो होटल बिजनेस बहुत बढ़िया चला और एक एग्री बिजनेस बहुत बढ़िया चला, तो कॉस्ट यहाँ पे थोड़े कम थे। अगर बात करें फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बिजनेस की, तो जो गोल्ड फ्लेक्स सिगरेट्स बनाती है आईटीसी और सनफीस्ट बिस्किट्स बनाती है, इनका कहना है कि डिमांड यहाँ पे म्यूटेड रहा है, कोई बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं रहा है। कंपनी ने कहा कि जो क्वार्टर है यहाँ पे शार्प एस्केलेशन भी आया है इनपुट कॉस्ट में, लीफ वुड एक्सेट्रा, एक्सेसिव रेन हो गए अगस्त में और सितंबर में, जिसकी वजह से जो फूड इन्फ्लेशन है बढ़ गया और इनके कॉस्ट भी इंक्रीज हो गए। तो नेस्ले की बात करें, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, सबने ब्लेम किया है सॉफ्टर डिमांड को अर्बन एरियाज में। सबसे पहले तो शहरों में डिमांड कम हुई है इनके प्रोडक्ट्स की, और इनपुट कॉस्ट भी इंक्रीज हुआ है, स्पेसिफिकली टी और कॉफी तो पिछले 1 साल में 30-40% इसका दाम बढ़ चुका है इंटरनेशनल मार्केट में भी। तो आप देखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा इसलिए परेशानी है। तो एफएमसीजी सेक्टर के साथ ये प्रॉब्लम है कि कंजम्पशन कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मॉनसून आने से पहले कि बहुत बड़े कंजम्पशन रहेगा, एंड इनपुट कॉस्ट बढ़े हैं क्योंकि एक्सेसिव रेन हुआ है कई जगहों पर अगस्त में और सेप्टेम्बर में। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।